आज हम लोग बनाएंगे गुजिया। इसके लिए जो सामग्री हमको चाहिए वो है मैदा, सूजी, घी। शक्कर के बदले मैं शुगर फ्री का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। काजू, कुछ किशमिश, तेज पत्ते और इलायची। आप चाहें तो खोया भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सूजी का बना रही हूँ। आप अगर सूजी के बदले अगर खोया यूज़ करना चाहते हैं तो आप खोया भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग घी डाल लेंगे और उसको गर्म कर लेंगे। अब इसमें डाल लें आप तेज पत्ते। इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को पूरा भूनना है। तो इसी समय ही मैं इसमें जो काजू के टुकड़े हैं उसको मैंने छोटा छोटा ऐसे काट लिया है, ये सब डाल लेंगे। इसको भूनेंगे। इसको हम लोग को लगातार चलाते हुए थोड़ा भून लेना है। आप देख सकते हैं सूजी हल्का सा लाल करने लगा है। इसी स्टेज पे मैं डाल दूंगी सारे जो किशमिश मैंने रखे हुए थे वो किशमिश। और इलायची का मैंने ऐसे कूट लिया है, कूट के इलायची का जो पाउडर है वो भी मैं इसमें कूटा हुआ इलायची डाल दूंगी। और ये सारे सामग्री को हम लोग अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि किशमिश को हम लोगों को ज़्यादा देर तक बिल्कुल नहीं भूनना है। अगर आप खोया से बनाना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पे भी थोड़ा सा खोया इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना खोए वाला बना रही हूँ तो इसीलिए मैं इस स्टेज पे थोड़ा सा शुगर फ्री ऐड करूँगी। आप चाहें तो शक्कर का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें शुगर फ्री यूज़ कर रही हूँ। मीठा है इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ। इसको चला लेंगे। और हमको आप देखिए मैंने इसको बिल्कुल ड्राई रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग को इसको भरावन में भरनी है, तो इसको बिल्कुल हम लोग गीला नहीं रखेंगे। आप चाहें तो खोया भी ऐड कर ले इसमें, लेकिन आज हम लोग सिर्फ सूजी का बना रहे हैं। ये बन के तैयार है। अब हम पहले मैदे में थोड़ा सा घी डाल के मैन डाल लेते हैं और इसको आटा लगा लेते हैं हम लोग। हल्का सा पानी डालें थोड़ा थोड़ा और इसको एक आटा सख्त आटा गूंथ के तैयार कर लें। ये आटा गुथा गई है। अब इसको हम लोग ऐसे छोटे छोटे लोइयां काट लेंगे। और आप देख सकते हैं सूजी भी ठंडा हो गया है। अब मैंने कढ़ाई बिठा दिया है, इसमें आप घी डाल लें। और अगर आप वाइट ऑयल में कर रहे हैं तो आप वाइट ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं घी में बना रही हूँ तो मैं इसमें कढ़ाई में घी गर्म करने के लिए डाल दे रही हूँ। लोइयां ले लें, थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें और इसको बेल लें। जब ये बेला जाए तो इसको आप ऐसे सांचे के ऊपर रख लें। ये सांचा मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाती है। और इसके अंदर आप भरावन डालें। बहुत ज़्यादा भरावन ना डालें तो इसमें फटने का डर है। अब इसको ऐसे बंद कर दें, थोड़ा सा दबा के बंद कर दें। जो एक्स्ट्रा उसको काट लें। इस तरह से हल्के हाथों से इसको निकाल लें और इसको हम लोग घी में हल्के करके इसमें डाल लें घी में और इसको फ्राई करके निकाल लें। ऐसे ही एक एक करके सबको निकाल लीजिए। देखिए इसी तरह से आप डीप फ्राई करें
और देखिए ऐसे करक तल के आप निकालें। अब देख सकते हैं दोनों तरफ अच्छे से सिका गई है। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे। इसी तरह से हम लोग बाकियों का निकाल फ्राई करके निकाल लेंगे। बन के तैयार है गुजिया। आप भी बनाएं और सबको खिलाएं। आप बताइए कैसा बना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। ये बिल्कुल खस्ता बनेगी और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट। आप घर में बनाएं और बताएं। थैंक यू।